नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ये पार्ट थ्री, दैट इज लेक्चर थ्री है इस लेक्चर सीरीज का, जहाँ पे हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, जो एक टॉपिक दिया हुआ है आपको यूपीएससी मेन्स में, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से एक बार रिकैप दे देता हूँ, हम लोग ऑलरेडी इसके कुछ रोल्स को देख चुके हैं, ऑलरेडी हम विबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को देख चुके हैं। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि किस तरीके की रिलेशनशिप होती है बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। अब इस रिलेशनशिप को बताते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसको दो टर्म्स में, एक तो पैराडॉक्सिकल और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री। पैराडॉक्सिकल में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी से पूरी तरीके से अलग काम करती है, मतलब कि डेमोक्रेसी की डिमांड कुछ और होती है और ब्यूरोक्रेसी अलग तरीके से काम करती है। कॉम्प्लीमेंट्री में मैं आपको यह बताऊंगा कि सिविल सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट करती है डेमोक्रेसी को। क्लियर? तो इन सब चीजों पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप में देखते हैं कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, मतलब कि पैराडॉक्सिकल इफेक्ट यहां पे देखने को मिलता है। इसमें अगर आप सबसे पहली चीज देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिविल सर्विसेज से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। अब आप ये देखने की कोशिश करो, सबसे पहला लिखा हुआ है हायरार्की। हम लोगों ने विबेरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को पढ़ते हुए ये देखा था कि कैसे सिविल सर्विसेज की एक बहुत बेसिक नेसेसिटी और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनको हायरार्की को फॉलो करना होता है। अब ये हायरार्की क्या होती है? बेसिकली जैसे डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर होगा, वो आईएएस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा स्टेट में चीफ सेक्रेटरी को, जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो सेंटर में रिपोर्ट करेगा जॉइंट सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी उसके ऊपर वाले सेक्रेटरी को, और फाइनली ये सारे लोग मिलकर किसको जवाब दे, अकाउंटेबल होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी को। कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने बताया था ना, फादर ऑफ ऑल आईएएस ऑफिसर्स इन द कंट्री, चीफ सेक्रेटरी फादर ऑफ ऑल आईएएस ऑफिसर्स इन द स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ये हायरार्की जो नेचर है ये क्या शोकेस करता है? ये शोकेस करता है कि सिविल सर्विसेज जो है उसको हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है, मतलब कि चीफ सेक्रेटरी साहब अगर कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ आदेश देते हैं तो वो नीचे के आईएएस ऑफिसर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे जो सिविल सर्विसेज होता है ना दोस्तों, वो एक अथॉरिटेरियन फॉर्म में काम करता है, या मैं यूं कह दूं कि एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम को इजाद करने की कोशिश करता है जो अथॉरिटेरियन हो। क्लियर? मतलब कि हो सकता है कि वहां के लोगों की कुछ डिमांड है वो अलग है, मगर ये तो अपने हायरार्की के बेसिस पे चल रहे हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर को ऊपर से आदेश आया है लाठीचार्ज कर दो, लाठीचार्ज कर देंगे। ऊपर से आदेश आया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रोटेस्ट नहीं होने देना, तो प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, भले ही जनता प्रोटेस्ट करना चाहती है। आप बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे फॉलो करने की कोशिश की जाती है हायरार्की को, एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है जो कि अथॉरिटेरियन इन नेचर होता है, जो कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विशेस एंड डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन के अगेंस्ट होता है। इसी के साथ इनका जो आउटलुक होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी वो कंजर्वेटिव होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आईएएस ऑफिसर जो रहते हैं वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहते हैं, इसी कारण से तो हमको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लाना पड़ते हैं टाइम टाइम पे, इसी कारण से तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस को फॉर्म करना पड़ता है कि आओ बताओ हम इन लोगों को कैसे बदलें। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग कैसे पैराडॉक्सिकल नेचर है सिविल सर्विसेज का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, अब मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी में क्या चीज रिक्वायर्ड है। डेमोक्रेसी में रिक्वायर्ड है कंसेंसस, पार्टिसिपेशन और अकोमोडेशन। अब दोस्तों जो डेमोक्रेसी होती है ना वो कंसेंसस बिल्डिंग पे काम करती है। कंसेंसस बिल्डिंग ये होती है कि आप लोगों को अवेयर करो पॉलिसीज के बारे में कि हम ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं,
इससे क्या होगा, जब आप लोगों में कंसेंसस डेवलप करोगे तो आपको लोगों का पार्टिसिपेशन मिलेगा। आपको ये बात पता होगी, आप ये हर आंसर में वे फॉरवर्ड में लिखते हो कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी आपकी किसी पॉलिसी में, आप किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, या मैं ये बोलूं इतना इफिशियंटली उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। इसी के साथ डेमोक्रेसी डिमांड करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि जो इंडिविजुअल सिटीजन चाहता है या ग्रुप ऑफ सिटीजन चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपके कंजर्वेटिव आउटलुक या अथॉरिटेरियन आउटलुक से अलग हो। तो यहाँ पे आपको उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप उनके हिसाब से पॉलिसी को डिजाइन कर सको, आप उनके हिसाब से इंप्लीमेंट कर सको। तो डायनामिज्म विदाउट लिमिटेशन ऑफ मच रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि आम जनता बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना डायनामिज्म की डिमांड करती है, जबकि ये कंजर्वेटिव आउटलुक लेके अथॉरिटेरियन गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसी के साथ जो प्रिंसिपल ऑफ चेंज होता है, क्योंकि अगर हमारी डेमोक्रेसी आज जिंदा है, डेट्स जस्ट बिकॉज ड्यू टू इट्स वाइब्रेंट नेचर। आज हम समय के साथ अपने आप को बदलते जा रहे हैं, मगर सिविल सर्विसेज आपने देखा होगा कि हमारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ नहीं बदल पा रही। अगेन द आंसर रिमेन्स द सेम, बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेटिव आउटलुक। तो यहाँ पे यही चीज हमने डिस्कस करी कि किस तरीके से पैराडॉक्सिकल नेचर हमें देखने को मिलता है। तो कंसिस्टेंट और रेगुलर होती है सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी चेंज चाहती है, ये कुछ बातें थी। अब हम लोग रिलेशनशिप के दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, जहां पे कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब मैं अब आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है हमारी कंट्री के लिए, जहां पे वो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसा मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए ब्यूरोक्रेसी के, जब हमने मैक्स वीबर की बात की थी, देखो एक बार वापस से इसमें क्या बताया था। इसमें हमने बात की थी इंटीग्रिटी के बारे में, जो सोचते हो वही बोलो थॉट स्पीच, जो बोलते हो वही करो स्पीच एक्शन, तो थॉट स्पीच एक्शन एक जैसे होने चाहिए। साइंटिसिज्म पे काम करो, मतलब कि कोई भी ऐसे वेग चीज नहीं कि ऐसा होता है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, नहीं, आप उसको सोचो, रैशनैलिटी को डेवलप करो, तर्क क्षमता, न्यूट्रैलिटी। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज जो होता है वो गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शंस को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा विंग होता है जो पढ़ा लिखा होता है। हमने एक चीज और देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हुए वीबर की, क्या देखी थी वो? हमने देखी थी मेरिट बेस्ड, याद आ रहा है आपको? तो इस मेरिट बेस्ड पे हम क्यों आईएएस ऑफिसर्स को या फिर सिविल सर्वेंट्स को बनाते हैं मेरिट बेसिस पे, ताकि वो रैशनैलिटी को डेवलप कर पाए, ठीक है, वो साइंटिसिज्म को डेवलप कर पाए, वो सोच पाए, आर्बिट्ररी एक्शन न लें। इसी के साथ हम इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर, इनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। इसी के साथ इनको अकाउंटेबिलिटी भी देना पड़, मतलब इनके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल हेड होता है हर ब्यूरोक्रेट के ऊपर, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट करता है डेमोक्रेसी को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने में, और साथ ही साथ एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कुछ ऑफिसर्स आके पॉलिसीज को एक लयबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाए। तो इस तरीके से अगर आप रिलेशनशिप को लिख के आओगे कुछ पॉइंट्स पे, तो यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।